गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आरसी एजुकेशन हब। टुडे वी विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसके अंदर जो है सबसे पहले अपन पार्ट बात करते हैं सेपल्स की। सेपल्स की बात करते हैं, सेपल्स को जो है कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, कैलिक्स। सेपल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कैलिक्स। सेपल्स जो है बेसिकली नेचर के अंदर ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसे स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन और लीफ की जैसी होती है। इसका मतलब अगर ये लीफ के जैसे स्ट्रक्चर पाई जा रही है, सो दीज आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, डूइंग फोटोसिंथेसिस कर रही है, फूड को सिंथेसाइज कर रही है, खाना बनाने का काम कर रही है। फर्स्ट ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस करती है, फूड को जो है बनाने का काम करती है। इसके अलावा ये जो है फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। ये सबसे बाहर पाई जाती है, बाहर पाई जाती है इसका मतलब जैसे ही फ्लावर डेवलप होता है, फ्लोरल बड डेवलप होती है, सबसे पहले सेपल्स बनती हैं। और सेपल का फंक्शन होता है कि अंदर जितने भी वर्ड्स पाए जा रहे हैं उन सारे के सारे वर्ड्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती हैं। ये जो सेपल्स हैं बेसिकली ये यूनाइटेड भी हो सकती हैं और जो है फ्री भी पाई जा सकती हैं। जैसे सपोज दैट दीज आर द सेपल्स, व्हाट आर दीज, दीज आर सेपल्स। ये फ्री भी हो सकती हैं, मतलब कि एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, और ये एक दूसरे से फ्यूज भी हो सकती हैं। इस प्रकार से जो है दो कंडीशन फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। देयर आर टू कंडीशंस दो फाउंड इन द फ्लावर। नंबर वन इज गैमोसेपल्स, गैमोसेपल्स, एंड नंबर सेकंड इज पॉलीसेपल्स। गैमोसेपल्स इन द सेंस द सेपल्स आर फ्यूज्ड। सेपल्स कैसी पाई जाती हैं, फ्यूज्ड पाई जाती हैं। एंड पॉलीसेपल्स इन द सेंस सेपल्स आर फ्री। सेपल्स जो है फ्री पाई जाती हैं। सेपल्स जो है उनकी दो कंडीशंस देखने को मिलती हैं फ्लावर के अंदर, दे कैन बी फ्यूज, दे कैन बी फ्री। अगर फ्री पाई जा रही है पॉलीसेपल्स कंडीशन, अगर फ्यूज पाई जा रही है गैमोसेपल्स कंडीशन। बेसिकली नेचर के अंदर ये ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फ्लावर के बाहर पाई जाती हैं, फूड को सिंथेसाइज करने का काम करती हैं, इसके अलावा फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती हैं। इसके अलावा दीज आर, दीज प्रोटेक्ट टू द फ्लावर। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं, दैट वाज द फर्स्ट वर्ड, आउटर मोस्ट वर्ड। अब सेकंड वर्ड की बात करते हैं, दैट इज पेटल्स, दैट इज पेटल्स। पेटल्स को जो है कलेक्टिवली बोलते हैं कोरोला। पेटल्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कोरोला। अभी जो कोरोला है दीज आर कलरफुल लीव्स, ये जो है कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। मतलब कि इनके ये जो लीव्स हैं ये ग्रीन नहीं होके मल्टीपल कलर्स के अंदर पाई जाती हैं। दे कैन बी पर्पल, दे कैन बी रेड, दे कैन बी ऑरेंज, दे कैन बी ब्लू, एनी काइंड ऑफ कलर कैन बी फाउंड इन दीज लीव्स। तो ये मल्टीपल कलर्स की पाई जा सकती हैं कलेक्टिवली, जो इनको कोरोला बोलते हैं। और ये जो है फूड को सिंथेसाइज नहीं करती है। नोट सिंथेसाइज फूड, फूड को सिंथेसाइज नहीं करती है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज पोलिनेशन। ये जो है पोलिनेशन के अंदर हेल्पफुल होती हैं, या फिर वी कैन से ट्रांसफर ऑफ गैमेट जो होता है उसके अंदर हेल्पफुल होती है। किस तरीके से, ये लीफ जो है कलरफुल होती हैं, दीज आर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स।
ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, इवन ह्यूमन बींग को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। गैमेट्स उनके ऊपर गिरते हैं और गैमेट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। तो कहीं ना कहीं जो है पेटल्स जो हैं पोलिनेशन के अंदर हेल्पफुल होती हैं, और इसके अलावा जो है ये फूड को सिंथेसाइज नहीं करती हैं, दैट इज द सेकेंड वर्ड। और ये कलरफुल लीव्स होती हैं, ये भी बेसिकली दो कंडीशंस देखने को मिलती हैं इनकी भी फ्लावर के अंदर, दैट कैन बी दे कैन बी गैमेट पेटलस, गैमेट पेटलस एंड सेकेंड इज पोलीपेटलस, सेकेंड इज पोलीपेटलस। गैमोपेटलस इन द सेंस द पेटल्स आर फ्यूज टू ईच अदर, पेटल्स जो है एक दूसरे से फ्यूज पाई जाती हैं, एंड पोलीपेटलस इन द सेंस पेटल्स आर फ्री, दीज आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इस तरीके से पेटल्स और सेपल्स का जो है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। सेपल्स सबसे बाहर होती हैं, पेटल्स जस्ट उसकी अंदर की तरफ होती हैं, सेपल्स ग्रीन होती हैं, सेपल्स जो है फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, सेपल्स फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, सेपल्स जो है गैमोसेपल्स भी हो सकती हैं और पॉलीसेपल्स भी हो सकती हैं। पेटल्स जो है कलरफुल होती हैं, पोलिनेशन के अंदर हेल्पफुल होती हैं, फूड को सिंथेसाइज नहीं करती हैं, इसके अलावा ये फ्री भी हो सकती हैं और फ्यूज भी हो सकती हैं। फ्री को तो जो है पोलीपेटलस कंडीशन बोलते हैं और फ्यूज को गैमोपेटलस कंडीशन बोलते हैं। इस तरीके से जो है अपन ने पेटल्स और सेपल्स के बारे में जान लिया है, अब इनके अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे। तो जो किस वे के अंदर पेटल्स और सेपल्स जो है अरेंज होती हैं, जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन एस्टिवेशन। तो इससे जो आगे वाला लेक्चर है उसके अंदर अपन जो है एस्टिवेशन के बारे में बात करेंगे कि फ्लावर के अंदर सेपल्स तो किस तरीके से अरेंज होती हैं और पेटल्स किस तरीके से अरेंज होती हैं। आई होप आप सेपल्स और पेटल्स के बारे में जान चुके होंगे। और उसके बाद में फिर आगे दो वर्ड्स और बचे हैं, अभी वन इज एंड्रोशियम एंड सेकेंड इज गाइनोशियम, उनके बारे में भी अपन आगे वाले लेक्चर्स के अंदर बात करने वाले हैं। ऑलराइट, टू पार्ट्स के बारे में बात कर ली है, टू के बारे में अपन विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।